हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं डेरोलैक एक्वा सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों, डेरोलैक एक्वा सस्पेंशन के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस सस्पेंशन के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, डेरोलैक एक्वा सस्पेंशन के इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में डेरोलैक एक्वा सस्पेंशन को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, डेरोलैक एक्वा सस्पेंशन की बात करें तो इसको अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया गया है, बेसिलस क्लॉसी 2 बिलियन स्पोर्स। दोस्तों, पैकेजिंग की बात करें तो 5 ml की पैकेजिंग में ये एक बोतल आती है, जिसका प्राइस 26 रुपीज़ पर बोतल का होता है। दोस्तों, इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है, इससे मुझे इसका प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, डेरोलैक एक्वा सस्पेंशन का जो इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों यदि किसी को पतले दस्त हो जाते हैं उस कंडीशन में दिया जाता है, आंतों में सूजन आ जाता है उस कंडीशन में दिया जाता है, दोस्तों यदि किसी का खाना नहीं पचता है, इनडाइजेशन की समस्या रहती है, उस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। दोस्तों, क्या होता है, यदि हम एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन के इस्तेमाल करने से जो खाना पचाने के लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से मर जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक प्रोबायोटिक होता है, बैसिलस क्लॉसी, जो कि आपके बैक्टीरिया जो हेल्पफुल होते हैं खाना पचाने के लिए, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। दोस्तों, ये डेरोलैक एक्वा सस्पेंशन 5 ml की पैकेजिंग में आता है, इसकी एक मिनी बोतल होती है। दोस्तों, यदि आपको पतले दस्त की समस्या है, आपको लूज मोशन हुए हैं, डायरिया हुआ है, आंतों में सूजन है, खाना आपका नहीं पचता है, जो आप खाना खाते हैं आपका खाना प्रॉपर तरीके से नहीं पच पाता है, आप खाना खाते हैं तुरंत टॉयलेट चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये बहुत हेल्पफुल होता है। दोस्तों, इस डेरोलैक एक्वा सस्पेंशन को बच्चों में और बड़ों में दोनों में दिया जा सकता है। बच्चों की बात करें तो दोस्तों, 1 या 2 मिनी बोतल एक रोज़ की इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, और बच्चों में दोस्तों 1 रोज़ की 1 मिनी बोतल इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल करने से मतली हो सकती हैं, सिर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती हैं, ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।